मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से कंपनी बाग रोड में जो सीवर लाइन का काम चल रहा है उसकी गति काफी धीमी है। 15 दिन में जिस कार्य को करने की जिम्मेदारी एजेंसी को थी उस कार्य को एजेंसी 1.5 माह से भी पूर्ण नहीं कर सकी है। ऊपर से गड्ढा खोद जहां पाइप लाइन बिछाई गई है उसमें बड़े बड़े पत्थर से भर दिया गया है, वह पत्थर अब सड़कों पर बिखर गई है। इसमें कंपनी बाग रोड में हमेशा सड़क दुर्घटना की आशंका बनी रह रही है, कई लोग गिरकर चोटिल हो चुके हैं। दूसरी तरफ सड़कों पर बिखरी पत्थरों पर गाड़ियों की चक्का पड़ने के बाद छिटकने से आसपास से गुजर रहे लोगों के साथ दुकानदारों को हमेशा खतरा की आशंका बनी रहती है, कारण कि कभी कभी पत्थर छिटकने के बाद बड़ी दुर्घटना हो जाती है। इधर सरैयागंज टावर के समीप नाला निर्माण के लिए 1 माह से गड्ढा खोद छोड़ दिया गया है। इसमें निर्माण नहीं होने के रात्रि के कोहरा छाए रहने के दौरान हमेशा खतरा बना रहता है, कारण कि टावर के समीप खोदे गए गड्ढे के समीप बैरिकेडिंग को भी सही से नहीं है। इधर स्टेशन रोड पेट्रोल पंप के आसपास एक लेन में नाला का गंदा पानी सड़क पर जमा हो गया है। दूसरी तरफ स्मार्ट सिटी से जो नाला का निर्माण हुआ है वह जाम है। जिस जगह पानी लगा है वहां सड़क के नीचे से अंडरग्राउंड कलवर्ट बना है वह जाम है। इससे स्टेशन रोड के गुजरने वाले लोगों को ठंड से मौसम में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी पैदल चलने वाले लोगों को सड़क पर पानी व कीचड़ के कारण हो रही है। स्मार्ट सिटी का निर्माण एजेंसियों के नाला निर्माण आदि के लिए जो गड्ढा खोदती है उससे निकालने वाले मलबा को क्षतिग्रस्त ट्रैक्टर ढाला पर लोड कर लिए जाती है। इसके रात्रि में सरैयागंज रोड, सिकंदरपुर रोड, कंपनी बाग के अलावा मोती झील ब्रिज के ऊपर जगह जगह मलबा गिरा दे रही है। इसमें ईंट का भी बड़ा बड़ा टुकड़ा रहता है। इससे दिनभर लोगों के मलबा गिरे सड़क पर सुरक्षित चलना मुश्किल बना रहता है।